Zoom exclusive. Vidhu Vinod Chopra needs foreign currencies now. Ji haan, we have heard that Vidhu Vinod Chopra's upcoming next Hollywood debut, Broken Horses, will just not be sent to festivals but will be established and published worldwide across all over, and he will be roaming all around the world for marketing. By India, a renowned production company will be doing it all. It has been delayed till April as he faces the same problem like Anurag Kashyap for the post-production of the film. We all know ki Sanjay Gupta ki film Jazba ke through Aishwarya Rai Bachchan comeback kar rahi hai, but no one knows how Sanjay Gupta got her on board, or Zoom par khud Sanjay is baat ka revelation karenge. Suniye. I spoke to Abhishek first. We were talking and I said, look, I've got this great script and I think it would be perfect for her, and if you could put in a good word for me. And he was kind enough to do that. पोस्ट डिवोर्स सुजान खान अपने एक्स हस्बैंड के घर के लिए इंटीरियर डेकोरेशन नहीं करेंगी। हालांकि ऋतिक रोशन अपने इंटीरियर की शॉपिंग सुजान खान की सिस्टर के आउटलेट से कर रहे हैं और खुद ही अपने इंटीरियर्स कर रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस पहुंची एक फैशन शो इवेंट पर, जहां उन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की अबाउट हर फिल्म रॉय। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर रॉय। यू नो, टुमारो इज माय लास्ट डे ऑफ शूट एंड वी रैप अप एवरीथिंग एंड इट वाज अ क्रेजी स्केड्यूल, बट यू नो, वर्किंग विद रणबीर कपूर एंड वर्किंग विद अर्जुन रामपाल has been such a great experience for me on this movie, which has been very challenging because it's been a double role, but I loved every minute honestly, and I'm really really excited for this release. Bipasha Basu aur unki film Alone ke co-star Karan Singh Grover ka in dino kafi link up ho raha hai, par is news par jab humne Bipasha se baat ki to dekhiye kya tha unka reaction. What happens between two people is between them. How does it benefit a film or doesn't? I just don't understand that. कुछ दिनों पहले श्रद्धा कपूर ने अपने सोशल हब पर ये लिखा था, दैट शी इज इन लव बट वोंट रिवील द नेम, और अब श्रद्धा ने रिवील कर दिया है कौन है उनका प्यार। इट्स नन अदर देन अ लिप ब्रांड शी इज एंडोर्सिंग एंड दिस वाज अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉर द सेम। यहां श्रद्धा ने मीडिया से बात करते हुए रिवील किया उन दो स्टार्स का नाम जिन्हें वो ये स्पेशल गिफ्ट देना चाहेंगे। सम ऑफ यू हैव बीन वंडरिंग हु द न्यू लव इन माय लाइफ हैज बीन, इट्स प्रिसाइसली दिस, इट्स लैक्मे लिप लव। आई हैव बीन वेरी वेरी एक्साइटेड। अमिताभ बच्चन ने इनॉग्रेट किया म्यूरल ऑफ दादा साहेब फाल्के ऑन अ बिल्डिंग, और यहाँ इस इवेंट के बारे में मीडिया से बात भी की। इट्स अ वेरी अनयूजुअल वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, थ्रू पेंटिंग थ्रू आर्ट ऑन पब्लिक बिल्डिंग्स ऑन स्ट्रीट्स ऑन द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ दिस कंट्री, टू बी एबल टू एक्सप्रेस मोर देन जस्ट वर्ड्स थ्रू आर्ट वर्क। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत कर रहे हैं डेट, ये न्यूज एक डेली में पब्लिश हुआ था, और इस न्यूज को सुनते ही ऋतिक गॉट इर्क्ड एंड लैश्ड द पेपर ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। ऋतिक वाज अपसेट विद सच एन आर्टिकल बट आल्सो सेड दैट सच अब्सर्ड रूमर्स डजंट मेक अ डिफरेंस टू हिम। 11 दिसंबर को वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, और कल उनका जन्मदिन भी था जिसे दिलीप कुमार ने अपने घर पर सेलिब्रेट किया था। इसी दिन पर धर्मेंद्र का भी बर्थडे था, और उन्होंने पंजाबी स्टाइल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर के साथ हमने तेवर के लिए किया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां बातों बातों में सोनाक्षी ने कर दिया है एक ब्लंडर। मैं पापा से आज ही बात करूं। मैं पापा से बात करूंगी आज। तो बाइबल शत्रु जी कैसे हो? योर पापा। सो से दैट मेरे पापा तो मेरे पापा। वेल सोनाक्षी, वी होप कि ये स्लिप ऑफ द टंग ही था और कुछ नहीं।